नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सभागार में चेयरमैन सुरेंद्र पुंडर ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। पूरी खबर जानते हैं नैनीताल से हमारे संवाददाता अजमल हुसैन सिद्दीकी से। सर, कार्यकाल खत्म हो रहा है लेकिन कुछ टीसें भी रह गई होंगी, क्योंकि जो वकील हैं, पैसे की दिक्कत रही है, सरकार ने भी पैसा कमी दिया है, तो क्या मांग सरकार से अब भी है और कैसे हो पाएगा आगे? सरकार से लगातार हम निरंतर मांग करते रहे। 2016 में 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी माननीय श्री हरीश रावत जी के द्वारा बार काउंसिल के लिए, जो कि आज भी लंबित है, आज भी पूरी नहीं हुई। अगर ये कार्यकाल कोरोना में ना जाया होता तो शायद मैंने इसके लिए पूरा प्रयास किया होता शासन से। लेकिन तीस ये है कि मैं नहीं कर पाया उससे, लेकिन जो भी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कार्यकारिणी आएगी उनके साथ हम पूरा सहयोग करेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि अधिवक्ताओं का हित सुरक्षित रह सके। बार काउंसिल के चुनाव भी होने हैं आगे। 25 तारीख को, 25 फरवरी को चुनाव है, 20 फरवरी तक सभी के नॉमिनेशन होने और 22 को उसकी छटनी होने के बाद में 25 तारीख की सुबह 11 से 12 तक जो भी उसमें जो भी होंगे हमारे जो है कैंडिडेट वो नाम वापसी दे सकेंगे और 25 को 12 बजे इलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू।